गो बाई कामेटिक अप्रोच या डायनाटिक अप्रोच ये तो बात क्लियर यूनिफॉर्म डिस्लेशन ट्रेवल हो रही है ठीक है अच्छा जी ट्रेवल okay. हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यही टू एस एक माइनस यू स्को पहले पार्ट के अंदर हमारे पास देखते हो ट्रेवल कर रहे टेन से रेस्ट में आ गया डिस्टेंस टेन है डिस्लेशन की वैल्यू नहीं के मन है

ठीक है तो बेटे ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन टू हो गया ए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा एस टू मैंने लिख लिया ठीक है ये फिर वैल्यू क्या जीरो है वैल्यू क्या हो जाएगी नाउ थर्टी का स्क्वायर अब हमारे पास या तो ए की यहाँ यहां निकाल के दूसरे में पुट कर दो तो बहुत बेहतर है हम दोनों को क्या कर दें सब कर दूंगे ठीक है दोनों को डिवाइड कर दो ठीक है डिवाइड टू बाई वन कैंसल हो गया टू ए एस टू ओवर टू ए टेन एक कितना हो गया नाइन हंड्रेड ठीक है अब बेटे इसमें से टू ए भी कैंसिल है नेगेटिव भी कैंसिल है तो एस टू किसके बराबर हो गया नाइन्टी और अगर इसी क्वेश्चन को हम करते हैं बाय अनदर अप्रोच व्हिच इज फॉर डायनामिक्स अप्रोच अच्छा अब उसमें हमारे पास क्या होगा कि अगर गाड़ी मूव कर इट मींस प्लस काइनेटिक एनर्जी व्हेन यू ब्रिंग दिस इनटू रेस्ट इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी के वर्क डन हुआ तो काइनेटिक हीट एनर्जी की फॉर्म में चेंज होगी ना तो इसका मतलब हमारे पास वर्क डन जो है इज इक्वल टू लॉस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट मोशन जो होता है एक्चुअली वर्क डन अगेंस्ट मोशन इक्वल्स टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अच्छा अब वर्क डन बेटे हमारे पास गया, F, D हो गया एफ डी हो गया एफ एस हो गया काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है अब इसी अप्रोच को हम यूज करते हैं अब फोर्स तो वही है डिस्टेंस एस टू हो गया इज इक्वल टू हाफ मैथ भी वही है वेलोसिटी कितनी हो चुकी है थर्टी का स्क्वायर डिवाइड कर रहा डायरेक्टली फोर्स वही है डिस्टेंस कितना हमारे पास उसने दिया था टेन इज इक्वल टू हाफ वेलोसिटी कितनी है टेन का स्क्वायर अब ये चीजें सारी कैंसिल हो गई फोर्स भी कैंसिल हो गई ये भी कैंसिल हो गया तो एस टू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू होगी ओके डिस्प्लेसमेंट बेटे इंक्रीज करता है इंक्रीजेस व्हेन मूव अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट या स्टार्टिंग पोजीशन पोजिशन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी डिक्रीज करती है व्हेन मूव टुवर्ड्स स्टार्टिंग पोजीशन ठीक है डिस्प्लेसमेंट जो है इंडिपेंडेंट होती है इंडिपेंडेंट ऑफ अजम्पशन एंड इज टेकन फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन ठीक है ओके ओके दूसरी चीज जो है वेलोसिटी के ऊपर तो याद रखनी है वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी वो उसको तो हम पॉजिटिव लेते हैं इफ मोशन इज अंडर अजम्पशन ठीक है वेलोसिटी क्या होगी दिस इज नेगेटिव इफ motion is against assumption ठीक है तीसरी चीज आ गई एक्सलेशन के ऊपर जो कल की थी इस केस में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन as per assumption are considered ठीक ओके okay. कल इतना हो गया था, तो अब सिर्फ दो चीजें रह गई थी ये तो क्लियर है ना मैंने b पे भी निकाल दिया b is this one निकाल दिया था d पे भी e पे भी f पे भी सर जो एक्सेलरेशन होती यहां तक दो पॉइंट्स के दरमियान जो चेंज आया वो, वो, वो जा। हाँ। तो जिस तरह अब हम अगर डी पे ले रहे हैं एक्सेलरेशन तो हम इसका मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी कौन सी देंगे उससे एक सेकंड पहले एक सेकंड बाद में इस तरह ठीक अच्छा अब सी पे देखिएगा बेटा हाईएस्ट पॉइंट एट सी सी से ऊपर पहुंचने से एक, से एक सेकंड पहले अपवर्ड मूव कर रहा था ना ठीक है अपवर्ड जब मूव कर रहा है रीचिंग सी बि रीचिंग सी बेटे इ कोई, कोई वैल्यू थी जीरोस्ट पॉइंट अब मैग्नीट्यूड लेते हो अगर इसका वी माइनस यू ओवर टी से और ये डायरेक्शन अगर आ जाएगी इसकी तो बेटे हमारे पास सी से पहुंचने से एक सेकेंड पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई वैल्यू थी इसमें इट इस वाज रिटार्डिंग एक इसमें आ जाएगा नेगेटिव में एक सेकंड पहले जब अपवर्ड मूव कर रहा है अपवर्ड मोशन कौन सी होती है दिस इज पॉजिटिव अपवर्ड मोशन हमने पॉजिटिव ली थी ठीक uh, है तो दिस इज पॉजिटिव जब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव ठीक है बिफोर रीचिंग सी आफ्टर ठीक है।, है फिर अगर सी से अगर से नीचे इंक्रीज करे वे, तो ये किस में आ जाएगा पॉजिटिव में यह पॉजिटिव हो गए नाउ इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर अपवर्ड मोशन पॉजिटिव डाउनवर्ड मोशन क्या होगी नेगेटिव okay. जब नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव okay. अब गज़ा?

ऊपर पहुंचने से एक ये अवैली नाइन पॉइंट एट वन ही आएगी आंसर नेगेटिव ही आएगा ठीक है अच्छा अब जो ही आपने थ्रो किया बेटा यहाँ से ए पे जो ही आपने थ्रो किया ए पे एट ए तो एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी है कम होगी तो किस किसमें आ जाएगा नेगेटिव के अंदर आप किस में थ्रो कर रहे हो पॉजिटिव आंसर किसमें आ जाएगा नेगेटिव तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा नेगेटिव में जब आपने थ्रो कर दिया आपने फेंक दिया आप, अब किसकी फील्ड में अर्थ की फील्ड में तो जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट वन नहीं होगी कॉन्स्टेंट होगी ठीक है बात क्लियर होगी अब यही चीज अगर मैं करता हूँ मुझे बताइएगा क्या चेंजेस आनी चाहिए अब हमारे पास डाउन मोशन इज इज डाउन मोशन पॉजिटिव सर मोशनशन चेंज की मैंने अब मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट पे क्या चेंज आएगा डिस्प्लेसमेंट तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उस वो इंडिपेंडेंट हुआ इस पर ठीक है उसके बाद वेलोसिटी पे क्या चेंज आएगा मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड पे तो कोई चेंज नहीं आएगा ना मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा सिर्फ जहाँ पॉजिटिव लिखेगा वहाँ नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि पहले अपवर्ड मोशन पॉजिटिव अब अपवर्ड मोशन क्या होगी नेगेटिव ठीक है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है नो no चेंज मैग्नीट्यूड ये था इसमें कोई चेंज नहीं आएगा सिर्फ डायरेक्शन पे चेंज आएगा नेगेटिव वहां पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है ए पे अपवर्ड मूव कर रहा है तो ये आपने नेगेटिव लेना है बी पे भी अपवर्ड मूव कर रहा है नेगेटिव पॉइंट पे मैग्नीट्यूड इज जीरो डायरेक्शन होगी नहीं सी पे इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सॉरी डी पे डाउनवर्ड मोशन क्या पॉजिटिव तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ठीक है ओके पे आ एक्सप्रेशन के मैग्नीट्यूड पर मैं बताया हूं कोई चेंज नहीं है साइन पे मैं बताया कोई चेंज आएगी

नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड मोशन पॉजिटिव जब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं जब अपवर्ड मूव कर रहा है तो एक वैल्यू ज्यादा जीरोस्ट पॉइंट रिटार्ड कर रहा है एक सेकंड इट वाज मूविंग इन अपवर्ड अपवर्ड मोशन कौन सी है तो आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव डाउनवर्ड फ्रॉम सी ठीक है अब बेटे ये डाउनवर्ड अगर हमारे पास आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है प्लस हो गया अब डाउनवर्ड मोशन कौन सी है पॉजिटिव है अब पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगी सी पॉइंट के ऊपर ये भी पॉजिटिव होगी सी पॉइंट पे क्या होगी दिस इज पॉजिटिव टी पे देखते जनरलाइज कर लेते हैं

ठीक है तो पहली चीज जो याद रखना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका फर्स्ट क्वार में ही बनना है हमेशा प्रोवाइडेड दूसरा हमारे पास जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्राफ इज ईदर इन फर्स्ट और fourth quadrant equal to first and or depending upon assumption the this is acceleration time graph first or ठीक है अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ़ इज इन इधर नहीं आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ ओके ये अब ग्रास पे आ गया ठीक है अब आ गया पहले हमारे पास दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ़ वो में डिस्टेंस टाइम ग्राफ़ पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं था बेटे वहां पे यहाँ डायरेक्शन भी आएगी टाइम इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट बेस क्वांटिटी है द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वी ऑलवेज टेक इट अलोंग एक्स एक्सिस ठीक है जी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी क्वांटिटी इज ऑलवेज टेकन अलोंग एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस के अलोंग और डिस्प्लेसमेंट डिपेंडिंग अपॉन अस ठीक है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है डिपेंडेंट क्वांटिटी तो डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लेते ही y पे बेटे पहला तो हमारे पास ये आया था कि अगर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकाल रही है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पे कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुई है वो निकालनी है तो डायरेक्टली फ्रॉम वाई से नहीं

अगर रेस्ट में होगी तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होनी तो acceleration भी क्या होगी जीरो होगी या वो चीज हमारे पास मूव कर रही है मोशन में मोशन में तो इसका मतलब वेलोसिटी जो होगी दैट विल नॉट इक्वल टू जीरो बट एक्सलेशन कैन बी जीरो हो सकती है अब दो चीजें आती मोशन में बेटे हमारे पास एक तो उसकी डायरेक्शन आ जाती है मोशन के दूसरा उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड आता है ठीक है एक तो डायरेक्शन आ जाएगी मूव कर रही किस तरह मूव कर रही है दूसरा उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा ठीक है तो अगर तो हमारे पास चीज मूव कर रही है तो अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करती है डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं अगर ये इंक्रीज कर रही है इसमें ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ठीक है और अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करती है ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड द रेफरेंस पॉइंट इसमें ऑब्जेक्ट जो होगी मूव अवे फ्रॉम स्टार्टिंग कह लें या फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट देगा वो आप रेफरेंस पॉइंट ठीक है और अगर वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रही है तो इट इट मींस इज मूविंग टुवर्ड्स द रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट पॉइंट ठीक है अब मैग्नीट्यूड पे आता है अगर मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा कांस्टेंट है कांस्टेंट इसका मतलब क्या हो गया स्पीड क्या होगी जीरो अगर स्पीड जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी ठीक है अब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट का मैं बता रहा हूँ यहाँ रेस्ट में था मैग्नीट्यूड और तो ठीक दिस, मतलब है अब इसका मतलब ये रेस्ट को इंडिकेट कर रहा था मुझे अब हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं फर्दर या बेटे हमारे पास ये इंक्रीज भी तो कर सकती है डिक्रीज भी कर सकती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड से निकालना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो गई तो एक्सटेशन क्या हो जाएगी जीरो या हमारे पास क्या हो सकता है वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा रहा है अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर है तो चीज क्या करती है एक्सेलरेट करती है अब वो यूनिफॉर्म होगी नॉन यूनिफॉर्म सिलेबस में आ, uniform है यूनिफॉर्म ठीक है लास्ट पे आगे या हमारे पास डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी ग्रेडियंट से निकालनी है ना ठीक है इसका मतलब यहाँ पे वो डिस्प्लेट हो रहा है ये आ गया जी सीरियल नंबर यहाँ ग्राफ दो ग्राफ कटे मर्ज कर दूं ये अलग अलग पढ़ाऊ सिचुएशन ठीक है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक्सेलेशन है आई स्टेबस में यूनिफॉर्म ठीक है सपोज फर्स्ट ग्राफ हमारे पास फर्स्ट ग्राफ इज़ ये वाला क्या रिजल्ट निकल गया टेस्ट पे है ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है ज़ीरो होगी आपने कह दी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, है? Zero. Zero है. क्या है ज़ीरो है एक्सलेशन क्या है ज़ीरो ठीक हो गया नेक्स्ट इज ये वाली

डायरेक्शन चेंज है ये तो, तो क्लियर है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वान्टिटी अगर ये जीरो है यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव है इसका ये साइड पे नेगेटिव है। तो सिचुएशन क्या बनती है सपोज करते हैं हम अब ये एक मदर है बेटे ठीक है इसका ये ए चाइल्ड है और ये इसका बी चाइल्ड है इसने दोनों को पकड़ के रखा हुआ है अब मदर के पास है ना तो डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं अभी रेफरेंस पॉइंट अब अम्मी लेनी इनकी ठीक है अब यहाँ पे क्या है ए बच्चा यहाँ से मूव करके इधर चला गया बी बच्चा यहाँ से मूव करके इधर आ गया ठीक है आके रुक गए हैं अगर आके रुक गए हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे ए की डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुकी है दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो वो तो डिफाइन हो रही है एक की पे ये, A. ये ये ऐसे ही होगी, ठीक है हो गया. B की नजर आ रही है अब इसका मतलब हमारे पास ये भी नॉन जीरो है लेकिन आके रुक गए हैं आके रुक गए हैं इसका मतलब ये भी रेस्ट पे है ये भी क्या रेस्ट पे है यहां सारी रेस्ट पे थे थर्ड ग्राफ ना कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन है डिस्प्लेसमेंट पहले बताऊं ये क्या हो रही है इंक्रीज हो होती यार, uniformly increasing, है और दूसरी चीज हमारे पास क्या है क्या क्या है, होगी, तो, ठीक तो, है ये चीज क्लियर होगी इसका मतलब है यहाँ पे आप कह रहे हो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग ठीक है और ये हमारे पास क्या दिस इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है जो तो ग्रेडियट कांस्टेंट आ रहा है बेटे एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है जीरो है और अगर यही ग्राफ मैं यहाँ पे बना देता हूँ अब क्या चेंज है अच्छा इसका मतलब है अब हमारे पास रेस्ट में नहीं है वो मूव करते जा रहे हैं ठीक है डिस्प्लेसमेंट बेटे मेरी ए की क्या है वो भी इंक्रीज होती जा रही है दौड़ा जा रहा है वो ठीक है एस ए की वैल्यू क्या हो रही है ये इंक्रीज हो रही है एरो हमेशा आप इंक्रीज के लिए लिखता हूँ बी की डि ये भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस पोजिशन ठीक है बोथ चाइल्ड मूव अवे फ्रॉम द रेफरेंस पोजिशन ठीक है बात क्लियर होगी इसलिए डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होती है इसलिए ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया अब यहां पर हमारे पास अगर देखते हो ये बेटे इंक्रीज कर रही है डिस्प्लेसमेंट लेकिन उसमें इंक्रीमेंट क्या है वो नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि कर्व हो गया ठीक है और दोनों मदर से दूर ही जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ठीक है लेकिन यहाँ पे अगर हम देते हैं यहाँ पे अगर आप ग्रेडियंट बनाते हो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वैल्यू क्या आ रही कम आ रही है यहाँ पे यही वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा होगी यहाँ पे वैल्यू बेटर्स की कम आ रही है इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी कम होगी और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी ठीक है वो इंक्रीज यूनिफॉर्मली कर रही है नहीं यूनिफॉर्मली कर रही कर यूनिफॉर्म रही है लेकिन वो उतना हम करते हैं इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं ये इसको लिखू कवर करूं सिचुएशन यही बन रही है यूनिफ हमारे पास यूनि नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस

मतलब इसमें भी कांस्टेंट आएगा हां ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है और ये यूनिफॉर्म एक्सलेशन अब वो ग्राफ से हम ग्राफ गिवन होगा तो हम वहां से हम ये और ये लिख सकते हैं ठीक है तो हमारे पास फर्दर नेक्स्ट ग्राफ पे आगे नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन डिस्टेंस मदर से दूर ही जा रहे हैं ना ये ठीक है इसका मतलब ये चीज सही होगी ये हो रहा है ठीक है और है नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज ही करती जा रही है ठीक ये ये है? है, है और हमें कैसे टेंजन बनाते हो आप लोग यहाँ पे स्टीपनेस बहुत ज्यादा आ रही है बेटे यहाँ पे स्टीपनेस उसकी काम हो चुकी है ठीक है यहाँ पे काम है यहाँ पे ज्यादा ठीक है

ड्रीजिंग अच्छा अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीज करती जा रही है वेलोसिटी बताओ यहाँ पे क्या है यार ग्रेडियंट कांस्टेंट आएगा ना स्ट्रेट लाइन है बेटे वेलोसिटी कांस्टेंट है यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है एक्सेलरेशन क्या होगी जीरो होगी अब से अब हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रही है इसका मतलब मेरी जो इसकी डिस्प्लेसमेंट आएगी वो ये आनी है एस ए डिस्प्लेसमेंट मदर से ही लेनी है आपने क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वो मदर था ये यहाँ पे डिसमेंट की यही आनी है एस बी एस बी की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है और एस ए की वैल्यू भी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है टुवर्ड्स मोशन इस तरफ है हमारे पास ठीक है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ ही आनी है दोनों की अच्छा अब इसको नेक्स्ट प्रग्राम कंसिडर करें इसमें बोथ चिल्ड्रन तो मूव टूवर्ड्स द मदर लेकिन डिस्प्लेसमेंट मदर से लेनी है ठीक है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन गलत नहीं हो ठीक बनी हुई बिल्कुल अच्छा अब डिस्प्ले यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग दिस्ट्

एरो क्यों नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेनी है अवे तो हम ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट से लेनी है तो मदर जिस जगह है हम वहीं पर रहेंगे मदर से ही लेनी है ना आपने जो भी कम ओके इसका मतलब नेक्स्ट पे अगर आगे दोनों डिक्रीज कर रही हैं द तो रेफरेंस पॉइंट मूव कर रही हैं डिक्रीज ये होगी बी ये भी डिक्रीज कर रही है ये होगी ठीक है अब हमारे पास ये नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है

डिलीट आर्ट करती है डिसलेट करती है ठीक है लास्ट ग्राफ पे आ गए अगर यही ग्राफ है और हमारे पास एग्जामिनर ने ये दे दिया अब सिचुएशन तो तक मूव किस तरफ कर रहे हैं मदर की तरफ ठीक है अब वेलोसिटी हमारे पास क्या हो रही है दिस इज डिक्रीज हो रही कर अच्छा ग्रीण ग्रीण अच्छा इंक्रीज ही है कर रही है तो ये रहा है ये बेसिक ग्राफ यहां तक बात क्लियर होगी सारी अच्छा अब यहाँ पे दोनों चिल्ड्रन मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स मदर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वजह अगर डिक्रीज करती है तो इसका मदर मूव कर रहे होते हैं ठीक है यहाँ पे मदर मूव कर रहे हैं तो बेटे बेस ग्राफ कवर हो गए E